आज हम बात करेंगे कि बेरेट्रिक सर्जरी यानी मोटापे और डायबिटीज़ की सर्जरी के बाद हमें कितनी दवाइयाँ और कब तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। देखिए, पहले तो ये जो ऑपरेशन हम जिन लोगों को रिकमेंड करते हैं, जिन लोगों का मोटापे के साथ ज़िंदगी में रूटीन एक्टिविटीज़ में जिनको दिक्कत है और जिनको बहुत दवाइयाँ चल रही हैं, जिनको जैसे डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, जिनको जॉइंट पेन्स हैं, जिनको जॉइंट पेन्स के लिए पेन किलर्स चल रहे हैं, जिनको सांस की तकलीफ है, जिनको इनहेलर्स और बाईपैप मशीन्स चल रही हैं, तो मतलब ऑपरेशन से पहले पेशेंट्स हमारे पास बहुत दवाइयों के साथ आते हैं और मोटापे के साथ आते हैं, जिनको 8 से 10 दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो मोटापे का जब हम सफल इलाज करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद ये सब दवाइयाँ धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। तो लोग अपने आप में हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हम इतनी दवाइयों के साथ आपके पास आए थे और आपने हमारी सारी दवाइयाँ बंद करवा दी। तो पर ये कॉमन नोशन रहती है कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ऑपरेशन के बाद, अब जैसे आप लोग जानते हैं कुछ लोग कि ऑपरेशन काफ़ी किस्मों के होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक स्लीव है, गैस्ट्रिक बाईपास है, ये डिपेंड करता है किस पेशेंट को किस तरह का ऑपरेशन सूट करेगा, जिससे उनके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और उनकी बीमारियां ठीक होंगी। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस की, तो गैस्ट्रिक स्लीव के बाद हमें लगभग 4 से 6 महीने मल्टीविटामिंस ले लेने चाहिए और गैस्ट्रिक बाईपास के बाद 1 से 2 साल तक हमें मल्टीविटामिंस मिनिमम ले लेने चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म्स में मल्टीविटामिंस, जो एक गोली मल्टीविटामिन की हम रिकमेंड करते हैं, ले भी लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितनी हमें बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन की ज़रूरत होगी, वो मल्टीविटामिन अब्सॉर्ब हो जाएगा और उसका जो बाकी जो पार्ट है जो नहीं हमें चाहिए, वो हमारी किडनीज के थ्रू और हमारे बॉडी में निकल जाएगा। तो अगर हम देखें कि एक ऑपरेशन इतनी बीमारियों का सफल इलाज करते हुए इतनी दवाइयाँ बंद कर दे और ऑपरेशन के बाद एक मल्टीविटामिन हम लें जो लाइफ लॉन्ग नहीं, 6 महीने से लेकर 1-2 साल तक है, डिपेंडिंग हम क्या सर्जरी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में किसी चीज़ की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मल्टीविटामिन्स की अगर हम बात करें तो वो लोग आजकल छोटे बच्चों को, एडल्ट्स को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को और एल्डरली पेशेंट्स को भी देते हैं। तो अगर सब दवाइयाँ हम बंद करते हुए एक मल्टीविटामिन थोड़ी देर तक खा लेते हैं और अगर उसको हम लॉन्ग टर्म तक भी उसका अगर मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज हैं, खुराक में कोई कमी है, तो वो मल्टीविटामिन्स ठीक करते हैं और आपकी बॉडी को और फिट, तंदुरुस्त और एनर्जेटिक बनाते हैं। तो इसलिए मल्टीविटामिन्स थोड़ी देर ऑपरेशन के बाद लेने से घबराइए नहीं, और आज ही अपने डॉक्टर को और टीम को कंसल्ट करिए और अपने आप को मोटापे से और पहले इतनी जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उससे अपने आप को फ्री करिए। थैंक यू।